आज हमें यहाँ क्यों बुला लिया? देखो, मैं अपनी मर्जी से सीएम नहीं बनाऊ, ना ही तुमसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी कुर्सी छीनी है। लाखों लोग चलकर मेरे घर पर आए, मुझे चुनाव में खड़ा किया, मुझे जिताया, ये सोचकर कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। आज जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तुम मेरे बीच में आ रहे हो। मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ, मुझे तो तुमने घर पे बिठा रखा है। हाँ हाँ, तुम लोग जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए जितना दिमाग, जितने पैसे, जितने लोग खर्च करते हो, उसका 1% भी लोगों की भलाई के लिए खर्च किया होता तो आज तुम यहाँ बैठे होते और मैं घर में खुश होता। जब देखो हड़ताल, दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, मैं अपना काम करूं या बम ढूंढता फिरूं? अरे यार, तुम तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो पुलिस तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है, केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बैठाओ, अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैंने तुम्हें रोका है क्या? तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेलकर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। I'm gonna kill you. इतनी जल्दी हार मान गए? कौन जीता और कौन हारा ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बेटा, 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का, अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी हैं। अभी तुम्हारे पास आया हूं तो दुनिया भर को मालूम है कि मैं यहां इस कमरे में तुम्हारे साथ अकेला बैठा हूं। मुझे मारकर तुम भी बच नहीं सकोगे। तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाऊंगा, ये गोली तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे बेवकूफ बनाया कमीने! आप जो बोल रहे हैं सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सिर्फ 1 दिन के लिए सीएम बन के देखो। अच्छा इंटरव्यू था वो।